प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने केंद्रीय कार्यपालिका के तहत, संघीय कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का अध्ययन कर लिया है। आज हम मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और उसमें क्या है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो गठित होती है, मंत्रिपरिषद उसमें शामिल होती है। और भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 74(1) जो है, वो भी ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन में सहायता और परामर्श देने के लिए क्या है, एक मंत्रिपरिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और उसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होगा। तो इस प्रकार से क्या है, मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद जो है उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से होती है, और मंत्रिपरिषद के सदस्यों या मंत्रियों का जो चयन है उसको प्रधानमंत्री करते हैं। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है उसका क्या है, संविधान में जो है उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 91वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या है, अब मंत्रियों की संख्या जो है उसको सीमित कर दिया गया है। और अब वो क्या है, जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसका 15% है उसके बराबर हो सकती है, अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसमें अब क्या है, अधिकतम 79 सदस्य अर्थात 79 सदस्य हो सकते हैं। और ये जो कानून है वो राज्यों के मंत्रिपरिषद पर भी लागू है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं ज़्यादातर लोकसभा से निर्वाचित होते हैं सांसद, और कभी कभी राज्यसभा का जो सांसद है उसको भी क्या है, मंत्री बना दिया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना दिया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ऐसी स्थिति होने पर क्या है, जो वो व्यक्ति है जिसको मंत्री बनाया गया है उसको क्या है, 6 माह के भीतर भीतर क्या है, संसद के सदन की क्या है, सदस्यता लेनी होती है, चाहे वो लोकसभा की ले चाहे वो राज्यसभा की ले। इस प्रकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनकी जो मूलभूत योग्यताएं हैं वो वही हैं जो एक सांसद के लिए आवश्यक होती है। इसके पश्चात जो मंत्री हैं उसके प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। 3 प्रकार के मंत्रियों की श्रेणियां हैं, एक तो है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा है राज्य मंत्री या जिसको हम उपमंत्री भी कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। कैबिनेट मिनिस्टर जो है यह सत्ताधारी पार्टी जो होती है या गठबंधन की जो पार्टी होती है उसमें उसके जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो होते हैं, सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के जो सीनियर लीडर होते हैं, पुराने लीडर जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। और यह केंद्र सरकार में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनके प्रभारी होते हैं, और शासन संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं इनके द्वारा। इसके कारण क्या है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसका एक शीर्ष समूह होता है। इसके पश्चात दूसरी कैटेगरी जो है मंत्रियों की वो है राज्य मंत्री, यह स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं और विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर क्या है, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। तीसरा वर्ग जो है वो है उपमंत्री, या कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री जो हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले उनसे जुड़े रहते हैं, और आमतौर पर उपमंत्री उनको बनाया जाता है जो अभी नए नए हैं और उनको क्या है, आगे भविष्य में जिम्मेदारियां देने के लिए क्या है, तैयार करना होता है। तो इस प्रकार से क्या है, भारत में 3 कैटेगरी के क्या हैं, मंत्री हैं।
भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है, मंत्रियों के लिए क्या है पद व गोपनीयता की शपथ का उल्लेख किया गया है, और पद मंत्री पद की जो शपथ है उसका प्रारूप अलग है और गोपनीयता की जो शपथ है उसका प्रारूप अलग है। जो मंत्री पद की शपथ है वो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को दिलवाई जाती है, और उस शपथ में यह उल्लेखित है कि वो इस प्रकार से प्रारूप है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से क्या है निर्वहन करूँगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। यह तो क्या है, शपथ का प्रारूप है। इसी प्रकार गोपनीयता की जो शपथ है वो अलग है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तब के सिवाय जबकि संघ में मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूँगा। तो ये इस प्रकार से क्या है, गोपनीयता की शपथ है। अब हम जो मंत्रिपरिषद है उसके कार्यकाल और पदमुक्ति के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता, तथापि पदासीन जो मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, लोकसभा के विघटन तथा सरकार के पतन के कारण क्या नई मंत्रिपरिषद बनने तक क्या है, वो पहले वाली जो परिषद है वो यथावत रहती है। यानी कहने का भाव ये है कि यदि मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाए तो वो क्या समाप्त हो जाएगी, लोकसभा का विघटन हो जाए तो मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, या सरकार गिर जाए तो भी क्या है मंत्रिपरिषद का मतलब पतन है जो है वो है गिर जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, इन तीन कंडीशनों में क्या है? इस प्रकार से हो सकता है, और किसी भी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विहीन व्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना आवश्यक है। यदि कोई सरकार अल्पमत या अविश्वास के कारण गिर भी जाती है तो नई सरकार बनने तक पूर्व सरकार क्या है कार्य करती रहती है, तो इससे क्या है एक शून्य की स्थिति नहीं बन पाती। भारत में सन 2003 तक क्या है 26 अविश्वास प्रस्ताव विभिन्न सरकारों के विरुद्ध आ चुके हैं, किंतु एक बार भी क्या है अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार नहीं गिरी। हाँ, विश्वास प्रस्ताव पर सरकारें अवश्य गिरी हैं। इसके अलावा हम पहले पढ़ चुके हैं अनुच्छेद जो 72-75(2) जो हैं 75(2) उसके अनुसार क्या है मंत्रीगण जो हैं वो राष्ट्रपति के क्या है प्रसाद पर्यंत कार्यरत होते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को जब चाहे हटा दे, क्योंकि 75(3) में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद क्या है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि किसी मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है तो उसे राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो एक साथ तैरती है और एक साथ ही डूबती है, अर्थात जब कोई निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया हो तो विवाद के समय संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है, किंतु कोई निर्णय किसी एक मंत्री विशेष ने किया हो तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लागू होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति तथा मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से क्या है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय से असहमत है या विवाद बढ़ता है तो प्रधानमंत्री उसे स्वयं त्यागपत्र देने का कह सकता है या उसको निर्देश दे सकता है, या राष्ट्रपति से कहकर मंत्री को क्या है पद मुक्त भी करवा सकता है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटी है, MC छागला, TT कृष्णमाचारी, अशोक मेहता, VP सिंह तथा मोरारजी देसाई इत्यादि मंत्रियों को क्या है प्रधानमंत्री की नीतियों व विचारों से असहमति के कारण त्यागपत्र देने पड़े थे। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या या कमी या वृद्धि, मंत्रियों के स्तर या विभागों में संशोधन जो है
वो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 74 में ये हम पढ़ चुके हैं, सलाह देने के लिए, सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। और एक बात और भी है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो दी गई सलाह की जांच है वो किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। और ये भी हमने देख लिया है कि आर्टिकल 75 के अनुसार क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद को नियुक्त करते हैं। 91वें संविधान संशोधन है, उसके बारे में भी हमने देख लिया है। और संसद के किसी भी सदन या किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के कारण अयोग्य घोषित हो जाता है तो ऐसा सदस्य भी क्या है, मंत्री पद के लिए योग्य नहीं होगा। और ये भी हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद में मंत्रियों के जो वेतन व भत्ते हैं वो क्या है, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद की भूमिका और कार्य के बारे में। ये इसको हम क्या है अगली क्लास में देखेंगे, ये काफ़ी क्या है डिटेल में हो जाएगा हमारा फिर।